नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आप फ़ोन से फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, बिकॉज फ़ोन हमारे सबके पास होता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, तो आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब स्टोरी टेलिंग क्या होती है क्या नहीं वो भी ब्रीफ में बताता हूँ, और कुछ टिप्स आपको दूंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है अपने फोटोग्राफी के थ्रू कहानियाँ बयां करने में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा Google Pixel 4a के बारे में, बिकॉज़ इसी से मैं शूट कर रहा हूं आजकल बहुत ज़्यादा, ये मेरा डेली ड्राइवर है। तो Google Pixel 4a के कैमरा से आप फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, या Samsung का आपके पास M51 वगैरह है उससे भी आप स्टोरी टेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो जान लीजिए फटाफट। अब कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोशिश करोगे स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफी करने की। सबसे पहली चीज़, इंक्लूड स्मॉलेस्ट डिटेल्स इन एवरी फ्रेम। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरा सब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर इंसान या एक मोटरसाइकिल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, ठीक है, सिर्फ उस सब्जेक्ट को ना खींच के मैं इर्द गिर्द जो है उसके एनवायरनमेंट की तस्वीर भी साथ में उस मेन सब्जेक्ट के लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे बेस्ड है, सो दैट जो देखने वाले लोग हैं उनको इर्द गिर्द जो है तस्वीर की सब्जेक्ट का देख के पता लगे कि हाँ यार ये जो सब्जेक्ट है वो कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ पे जो है ये आसपास ये सब चीज़ें हैं। अगर सिर्फ मैं सब्जेक्ट की तस्वीर लूँगा क्लोजअप जाके, वो भी अपने आप में एक पिक्चर है बट वो फिर स्टोरी टेलिंग पिक्चर नहीं होगी। सिंस हम कहानियाँ बयां करना चाहते हैं अपनी तस्वीरों से, तो आपका सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आप जब अपने तस्वीर को क्लिक कर रहे हो, अपने मेन सब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हो, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो जितना हो सके आप विजुअली एक प्लीजिंग तरीके से उस एनवायरनमेंट को जो है आपको अपनी तस्वीर में इंक्लूड करना है, सो दैट वो तस्वीर जो है एक स्टोरी बयां करे अपने व्यूअर को जो भी आपकी तस्वीर को देख रहे हो। दूसरा टिप ये है कि एक सिचुएशन में ही आप अलग अलग तस्वीरें निकालें। अब कोई भी एक सब्जेक्ट है, एक यू नो लैंडस्केप है या एक सिचुएशन है जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसको एक नज़र से एक नज़रिए से ना देख के आप उसको मल्टीपल एंगल से मल्टीपल नज़रिए से देख के शूट करें, सो दैट आपका जो है एक सीरीज़ बन जाए, यू नो एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स बन जाए। मतलब वो सीरीज जब बनेगी वो एक कहानी अपने आप में बयां करेगी। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टिप है बट बहुत ही टेक्निकली साउंड जिसको कहते हैं ना वो टिप है कि आप एक ही सिचुएशन को चार या पांच तरीके से शूट करें, सो दैट आपका जो एक स्टोरी टेलिंग एक जो एसे है ना जिसको हम कहते हैं फोटो एसे वो कंप्लीट हो। अब एक सब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से शूट करिए, चाहे जो मैंने पहला टिप दिया हो बैकग्राउंड या इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो इंक्लूड करके करिए, या आप एंगल्स अपने चेंज करिए ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके, बट कोशिश करिए एक ही सिचुएशन को आप डिफरेंट तरीके से क्रिएट करें। और वो जो डिफरेंट तरीके से आप क्रिएट करेंगे वो जब सब मिल जाएगा एक फ़ोटो ऐसे की तरह काम करेंगे। तीसरा टिप है, आपको जो है अपने फ्रेम का कंट्रोल आपके हाथों में रखना है। अब ये सुन के शायद आपको पता ना चले कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट या आपका जो लाइटिंग है सब्जेक्ट के ऊपर या जो इर्द गिर्द है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, सिर्फ उसका ध्यान ना रखते हुए आपको और भी चीज़ों का ध्यान जो है रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइट एरियाज़ कौन से हैं, या शेडो आपके सब्जेक्ट में कहाँ पड़ रही है, हाइलाइट्स जो हैं आपके शेडोज़ को किस तरीके से काट रही हैं, बेसिकली लाइटिंग और शेडोज़ एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ आप अगर खेल सकते हैं तो वो भी जो है आपके कहानी अपने तस्वीर में बयां करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके कलर्स फैंटास्टिक हो या आपका जो है बैकड्रॉप एकदम हिमालयाज हो या एकदम बैकड्रॉप जो है फैंटास्टिक फैबुलस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, एक सिंपल से तरीके से भी आप एक तस्वीर के थ्रू अपनी कहानी बयां कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको लाइट और शेडो के थ्रू किस तरीके से खेल खेलना है, सो दैट जो आपका व्यूअर है वो जब आपकी तस्वीर देखे तो उसके जहन में उसके दिमाग में उसके दिल में एक तस्वीर के थ्रू एक कहानी अपने आप जो है वो तस्वीर बयां करे,
चौथा टिप आपके लिए मेरे पास ये है कि अगर आप अपने फ़ोन से क्लिक कर रहे हैं पिक्चर या आप अपने कैमरा से भी क्लिक कर रहे हो, आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट अगर है तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, चलते चलते आपको लगता है कि आपको कुछ शॉट्स लेने हैं, शाम को मेरे को लाइट अच्छी लग रही है, मैं कहीं एक पर्टिकुलर जगह में जाके कुछ पिक्चर्स लेना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ शॉट्स है ना कि मैं चाहता हूँ कि आज लाइट से मैं खेलूँ, शेडोज से मैं खेलूँ, या मैं सिर्फ शेडोज़ और कॉन्ट्रास्ट का एक अलग सा, शेडोज और हाईलाइट्स का एक ऐसा एक इमेजेस क्रिएट करूं जो कि एक ऐसे अपने आप में बयां करे, तो आप जो है अपने फ़ोन में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, सो दैट आपके दिमाग में जब वो पॉइंट्स आते हैं तो इंस्टेंटली हम भूल भी जाते हैं। इसीलिए अगर आप ना भूलना चाहते हो तो एक शॉर्ट लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, ये सुनने में बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट लगता है, बट ये शॉर्ट लिस्ट जो है ना ये आपको आगे जाके काम आएंगी फ्यूचर में भी, और अभी के अभी जब आप ये शॉर्टलिस्ट लिखोगे आपके दिमाग में, जहन में वो चीज़ें रह जाएंगी। मैं प्रोफेशनली काफ़ी शूट करता हूँ, ऑफकोर्स मेरा ब्रेड एंड बटर है प्रोफेशनल फोटोग्राफी, तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि शूट से 2 या 3 दिन पहले एक शॉर्ट लिस्ट तैयार कर लूँ कि मुझे क्या क्या मेन शॉट्स जो हैं वो चाहिए। जब मेरे मेन शॉट्स कंप्लीट हो जाएं तो मैं अगले एक्स्ट्रा शॉट्स जो हैं वो लूँ। अगर शॉर्ट लिस्ट आपके पास नहीं है, अगर आपके जहन में एक तरीका नहीं है सिस्टमेटिकली किस तरीके से चलना है, तो आप फिर इर्द गिर्द रैंडमली फ़ोटोज़ क्रिएट करोगे, वो फ़ोटोज़ जो हैं कहीं ना कहीं एक रैंडम फील देंगी, स्टोरी टेलिंग वाली फील नहीं आने वाली है। अगर आपके दिमाग में आपके जहन में कुछ शॉट्स के लिस्ट नहीं है, ये जो पॉइंटर्स हैं ये ऐसे हैं कि ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। जहन में जब आप ये चीज़ शुरू शुरू में ज़बरदस्ती सोच के करोगे, अपने आप को पुश करोगे करने के लिए, तो आप देखोगे कि इवेंचुअली दीज विल बिकम सेकेंड नेचर, आपकी हैबिट बन जाएगी। शुरू शुरू में शायद आपको याद करके या ज़बरदस्ती आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करके करना पड़े, बट जब आप इवेंचुअली करते रहोगे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, तो आप देखोगे कि ये जो है शूट करना आपके लिए, स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफी आपके लिए एक सेकेंड नेचर बन गया है। बट वो तभी होगा दोस्तों अगर आप रेगुलरली अपने पिक्सल से या अपने सैमसंग डिवाइस से या भगवान करे कोई भी डिवाइस आपके पास हो उससे आप शूट करें। डजेंट मैटर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके पास कौन सा DSLR है, मैटर ये करता है कि आप बाहर जाओ, फ़ोटोज़ क्रिएट करो और उन तस्वीरों से एक कहानी बयां करो, अपनी कहानी बताओ और अपने इमोशंस को उन तस्वीरों के थ्रू अपने व्यूअर्स तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाओ। मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।